एसजेएक्स निफ्टी भी सर वैसे देखेंगे तो नीचे से रिकवर करते हुए आपको दिख रहा है, 16200 का लो बनाया था तो वहां से एटलीस्ट 40 पॉइंट की रिकवरी है, बट ग्लोबल मूड माहौल आज वैसे काफी खराब है सर, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आ रही है, कुछ खबर आई नहीं बट जो खबर आने का इंतजार है उससे पहले बाजार हल्के हो गए, कैसे समझना चाहिए सर कल 650 अंक डाउ फिसला है? खबर आने के बाद गिरने में और खबर आने के पहले गिरने में बड़ा फर्क है जी, खबर आने के पहले ही अगर आप गिर, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आज मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, शाम को रिजल्ट मिलेगा जी, और उसके पहले सुबह सुबह पापा मेरी पिटाई करना शुरू कर कि बेटा तेरा रिजल्ट आने वाला है, जरा पिट के ही जा पहले से, तैयार पहले रिजल्ट लेने, रिजल्ट लेने जाए उससे पहले पिटाई खा के जा, ये वैसे ही हाल है। करेक्ट, मतलब आने तो बाद में पीट लेना, बाद में पीट लेना। अब प्रॉब्लम वही है, इन्फ्लेशन के डेटा आए नहीं उससे पहले अमेरिकी बाजारों की पिटाई हो गई, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कितना खराब हो सकते हैं। सेम सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन के नंबर ज्यादा आएंगे, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, 8.3% का अनुमान लगा रहे हैं, थोड़े हायर सेट पर लगा रहे हैं, सारी चीजें सब है, लेकिन उस डर से पहले गिर जाएं, चलो गिर भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, गिरिए थोड़ा सा मूड खराब कर लिया 200-300 पॉइंट गिर जाएं, लेकिन 650 पॉइंट क्यों, 650 पॉइंट छोटी बात थोड़ी है, और ऐसा क्या इन्फ्लेशन के डेटा में 8.3% है जो मतलब इतना ज्यादा हो गया कि जिसकी वजह से, ये दो चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक आंकड़ों को लेकर कहीं कोई राहत के संकेत नहीं है, ये बाजार मानकर चल रहा है, और ये भी मानकर चल रहा है कि न सिर्फ ये वाला 8.3% आगे भी जल्दी से कमी होगी, इसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं, तो खाली एक इतनी सी चीज पे नहीं गिरता कि इन्फ्लेशन के आंकड़े खराब आएंगे, और दूसरी चीज ये कि मतलब बाजारों में बढ़ने के का कोई रीजन ही नहीं मिल रहे, तब तो ऐसे में अगर कितने समय तक आप थोड़ा रेंज बाउंड रहेंगे और फिर स्पेशली रेंज के ऊपरी सिरे पर हों और आपके नंबर आने लगे तो आप सोचेंगे चलो छोड़ो जाने दो, और इन बड़े आंकड़ों के पहले अगर आपके पास खरीदारी नहीं है तो फिर वो सारी चीजें मिलाकर जो कुछ दिखता है वो कल अमेरिका में दिखा है। तो मेरे ख्याल से कि जो इतनी तेज गिरावट आई है एक तरह से अच्छा ये है कि इन्फ्लेशन आंकड़े के आने के बाद शायद ना गिरे, हो सकता है आंकड़े उतने बुरे ना आए तो थोड़ा ठीक भी हो जाए, चीन के आंकड़े अभी अभी आए तो वो उम्मीद के मुताबिक थोड़े बेहतर ही है, चीन के आंकड़े जो इन्फ्लेशन के आए कहीं किसी तरह से खराब नहीं है, जैसी उम्मीद थी उसी के आसपास आते हुए दिखे, अब देखते हैं अमेरिका में आज महंगाई के आंकड़े किस तरह के आते हैं, लेकिन उससे पहले जो मार पड़ी वो इंपॉर्टेंट आंकड़े के लिहाज से कम है, बाजार के लिहाज से ज्यादा है, और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन दीप एक ही है, लगातार जो दिख रहा है जिन लेवल्स के आने के पास आपको लगेगा कि बाजार बढ़िया तेज हो सकता है वहीं से पिटाई होगी, जिन लेवल्स के आसपास आकर आपको लगता है कि नहीं अब तो गया वहीं से रिकवरी आएगी, 33500 लगातार हम बात करें 33500 की रेंज में तीन दिन बिताए पिटाई होगी, 31200 के आसपास उस रेंज में तीन चार दिन बिताए ऐसा लगे गया रिकवरी आ गई, सेम अमेरिका वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं या हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है, जैसे भी मानना है मान लो, अपनी मूंछ ऊपर रखनी तो बोल दो हम जो कर रहे हैं वो अमेरिका कर रहा है और फॉलो करना है तो उधर से कर लो, बट हो वही रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट में ऊपर के लेवल पे आपको तेज सप्लाई आती दिख रही, नीचे के लेवल से सपोर्ट आता हुआ दिखता है, सो आप हाई रेंज से थोड़े से नीचे गए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, साइज ऑफ फॉल चिंता की बात है, अनएक्सपेक्टेड फॉल चिंता की बात है, बाकी रेंज बाउंड ट्रेड को अगर आप देखो तो बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात, तो ये तो होना ही था, मतलब उस लेवल के ऊपर तो सिंपल सी बात, बाकी तो ठीक है,